गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैडी क्लासेस। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी, यानी क्लास 12 का बायोलॉजी। बायोलॉजी हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। पुष्पों में लैंगिक जनन क्या होती है, बहुत लंबा आपका चैप्टर जा रहा है तो, लेकिन एक ही टॉपिक बताने में आपको समय लग जाता है तो इसलिए थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप देखते रहिए, उसका फेयर बनाते रहिए, बहुत ईजिली आपको लगेगा हर चीज़। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर 2 में जो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लॉरिंग प्लांट में पार्ट 11 वीडियो देखेंगे, 10 वीडियो उसमें बन चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द पॉलिनेशन। हमने क्या बताया था, आपका परागकण का निर्माण और फीमेल गैमेट एक सेल का निर्माण हो चुका था, तो परागकण और जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, परागकण बनने के बाद क्या होता है, आपका परागकण का वर्तिका पर पहुंचेगा, तो वर्तिका पहुंचे तब जाके उसके आगे प्रोसेस प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसी में एक टर्म्स आता है पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन, हिंदी में कहते हैं परागण। क्या होता है परागण, परागण गण मतलब होता है आपका झुंड, समूह होता है, तो किसका झुंड समूह, पराग का, पराग कण का। याद रखिएगा आपका परिभाषा देते हैं व्हाट इज द पॉलिनेशन, क्या होता है, यानी पराग कणों का, किसका पराग कण किसी माध्यम द्वारा वर्तिका का, वर्तिका यानी स्टिग्मा पर, यानी पराग कणों का किसी माध्यम द्वारा पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। बहुत सिंपल डिफिनेशन लिखेगा, यानी पराग कणों का किसी माध्यम द्वारा पुष्प के स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र जिसे कहते हैं, यानी स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहेंगे, परागण। याद रखिएगा हमने बताया था, फिगर बनाया था, ये आपका फीमेल का, तो आपका ये क्या था, ये आपका स्टिग्मा है, क्या ये स्टिग्मा, ये स्टाइल कला था, नीचे ऊपरी होता है, तो जो पराग कण होता है, क्या होता है पराग कण, याद रखिएगा पराग कण किसी माध्यम की बात क्यों कर रहा है, यानी यहाँ माध्यम अलग अलग है, माध्यम क्या रहेगा अलग अलग रहेगा, आपका पराग कण अपने आप नहीं जाता है, कोई माध्यम जरूर होता है, यानी कोई चीज है, अगर यहाँ पर है ये डस्टर या चौक यहाँ रखा हुआ है, इसको किसी माध्यम से उठाएंगे तभी तो उठेगा, ठीक है, तो वही क्या होता है, एक कण कहीं अगर स्टेबल है पड़ा हुआ है तो दूसरी जगह जाना हो तो किसी न किसी माध्यम से जाएगा। यहाँ किसी माध्यम क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि आप कई माध्यम, कोई भी माध्यम होता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, जंतुओं में क्या होता है मनुष्य भी हो सकता है, कीट पक्षी भी हो सकते हैं, जानवर भी हो सकते हैं, यानी किसी माध्यम द्वारा अगर पराग कण पराग कोष से निकल करके इस आपकी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, इसी क्रिया क्या कहते हैं परागण कहते हैं। दैट्स क्लियर, यानी पॉलिनेशन क्या कहलाएगा, यानी पराग कणों का किसी माध्यम द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये हो गया परागण की डिफिनेशन। अब देखिए परागण पॉलिनेशन जो होता है आपका टू टाइप्स होते हैं, पॉलिनेशन क्या होते हैं दो प्रकार होते हैं, जिसे कहते हैं आपका सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी। क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी, यानी हिंदी में कहेंगे स्व परागण, ठीक है, और दूसरा होता है पर परागण। स्व मतलब खुद हो रहा, अपर मतलब दूसरे के माध्यम से हो रहा है, क्या हो रहा है, तो स्व परागण अपर परागण का मतलब क्या होता है, यहां माध्यम का मतलब नहीं होता, डिफिनेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। स्व परागण कहलाता है ये पर परागण, स्व मतलब स्वतः हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, अपर मतलब दूसरे के द्वारा हो रहा है, तो पर परागण और सेल्फ परागण, यानी देखा जाए तो परागण कहीं ना कहीं माध्यम ही रहेगा, कहीं ना कहीं परागण में माध्यम जरूर रहेगा, तो इसमें स्व परागण अपने स्वयं नहीं हो जा रहा, तो इसमें एक फूल के यानी परागकण कहाँ पहुंच रहा है उसके आधार पे ये परिभाषा को डिफाइन करते हैं, परिभाषा को डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे आप क्या करेंगे, परागण दो तरह होते हैं, यानी परागण दो प्रकार से होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी कहते हैं, जो आपका स्व परागण हो, क्रॉस पॉलिनेशन जिसे हम पर कहते हैं, या एलोगैमी कहलाता है इंग्लिश वर्ड, तो दोनों वर्ड यूज कीजिए आप, किसे क्या कहते हैं हम। अब देखिए एक चीज देखेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी किसे कहेंगे, जब परागकण, ध्यान दीजिएगा, जब परागकण उसी पुष्प के उसी वस्त्र आपके स्टिग्मा पहुंचती है, या जब परागकण आपके उसी पादप के किसी भी पुष्प पे पहुंचती है, उस क्रिया को हम स्व परागण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी आपका कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इस प्लांट में मान लीजिए कोई फूल लगा हुआ है, क्या लगा, फूल लगा हुआ, इस पे आपका जो फूल लगे हुए, अगर जो यहाँ पराग कण होंगे, क्या होंगे पराग कण, ये पराग कण होगा, अगर पराग कण किसी माध्यम द्वारा, यानी किसी माध्यम द्वारा आपके इसी पर भी
यानी कोई परागकण आपके उसी पुष्प के उसी स्टिग्मा पे पहुंच रहा है या उसी पादप के किसी दूसरे आपके स्टिग्मा पे पहुंच रहा है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? स्वपरागण कहते हैं। यानी प्लांट सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, प्लांट क्या है? सेम प्लांट है। स्वपरागण का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका उसी पौधे को स्वपरागण, दूसरे पौधे को परपरागण, ऐसा मतलब नहीं है। स्वपरागण में दोनों डिफाइन करेंगे। यानी स्वपरागण किसे कहेंगे? जब परागकण आपके उसी पुष्प के, यानी जब परागकण उसी पुष्प के उसी स्टिग्मा पे पहुंचती हो, उसी पुष्प के उसी स्टिग्मा पहुंचती हो, या आपके उस पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के यानी उसी पादप के किसी दूसरे आपके पुष्प पे स्टिग्मा पे पहुंचती है, तो इस क्रिया को हम स्वपरागण के नाम से जानते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता, ध्यान दीजिएगा। यानी फ्लावर प्लांट एक है, प्लांट क्या हुआ? एक है, पौधा एक है। इस पौधे में पुष्प कई लगे होते हैं, ये मान लीजिए पहला पुष्प या दूसरा पुष्प। अगर उस पुष्प पे जो परागकण बन रहे हैं वह परागकण उसी आपके स्टिग्मा पे जा रहा है, इन उसी पुष्प के स्टिग्मा पे जा रहा है, तो यहाँ पर स्वपरागण हो रहा है। और यहाँ पर भी अगर इसके परागकण उसी प्लांट के दूसरे पुष्प पे जा रहा है तो भी स्वपरागण हो रहा है, तो भी क्या हो रहा है? स्वपरागण हो रहा है। याद रखिएगा स्वपरागण क्या होगा, लिखेंगे हम, जब परागकण उसी पुष्प के उसी स्टिग्मा पर या उसी पादप के किसी आपके पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंचती है, इस क्रिया को हम स्वपरागण कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, ऑटोगैमी कहलाता है। ओके, दैट्स क्लियर। देखिए स्वपरागण में क्या होता है, आपका दो स्टेप यहां पर है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दो स्टेप ध्यान दीजिएगा। पहला स्टेप क्या बता रहा है? उसी पुष्प के उसी आपके स्टिग्मा पे जा रहा है। दूसरे स्टेप में क्या बता रहा है? आपका कोई परागकण दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंच जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, यानी सेल्फ पॉलिनेशन में दो स्टेप फॉलो करते हैं। कितने स्टेप? दो स्टेप, याद रखिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन में दो स्टेप फॉलो होता है, यानी सेम पुष्प क्या हुआ? सेम पुष्प, यानी उसी पुष्प के उसी परागकण उसी स्टिग्मा पे आया तो स्वपरागण, जिसे फर्स्ट स्टेप कहते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहलाएगा? आपका कोई परागकण उसी पादप के दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे गया तो क्या है? आपका सेकंड स्टेप कहलाता है। दोनों कंडीशन में स्वपरागण हो रहा है। दैट्स क्लियर, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। देखिए उसके बाद आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन या एनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण। जब आपके परागकण किसी दूसरे पौधे के यानी किसी दूसरे पादप, प्लांट सेम हो, प्लांट क्या हो? सेम हो। अगर आम का पेड़ है तो आम के प्लांट की बात कर रहा है, यानी जातियां सेम हो। आम का पेड़ छोड़ी, जातियां भी सेम होनी चाहिए। क्या है? जातियां सेम है या दूसरी जातियां हो तो भी परपरागण कहलाएगा। तो क्या कर रहा है? आपका जब परागकण, क्रॉस पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, जब किसी पुष्प का परागकण किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा पर पहुंचता है, किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, इस क्रिया को हम क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी के नाम से जानते हैं। ओके, यानी जब किसी पुष्प का परागकण किसी माध्यम द्वारा किसी दूसरे पादप के उसके पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंचता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पर परागण के नाम से जानते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। राइट, देखिए दोनों की क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन को जानने से पहले किन किन माध्यम से होता है ये जानने से पहले हम, यानी हमने बताया माध्यम वायु द्वारा, जंतु द्वारा और जल द्वारा, इन तीन मुख्य रूप से माध्यम है। परागण क्रिया का तीन माध्यम है, याद रखिएगा। तीन माध्यम द्वारा क्या होता है? परागण क्रिया होती है वायु द्वारा, एनिमल द्वारा एंड आपका वाटर द्वारा, यानी आपका वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा, ये तीन माध्यम से होता है। अब कैसे होता है ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे हवा चला, ये पुष्प है, राइट, ये फूल है, मान लीजिए ये फूल है। इस फूल में क्या हुआ? आपका ये आपका ओवरी हुआ, ये ओवरी है, ये स्टिग्मा हुआ, तो पराग कोष में पराग कर रहेगा ना जी। तो ये पराग कोष का पराग कर क्या किया आपका, यहां से यहां कैसे आएगा? अपने आप आएगा, ये तो हवा चलेगा तभी तो आएगा, यानी माध्यम होना ना जी। यानी अगर ये अपनी स्टेबल है लेकिन जब हवा चलेगा तो ये हिलेगा, हवा के माध्यम से उड़ के क्या होता है आपके यहां पहुंचा, तो ये माध्यम से हवा से आ सकता है। जंतु से कैसे आएगा? जैसे एक मनुष्य भी आ सकता है, मनुष्य भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर कीट पतंगों से आता है, यानी कीटों से अधिकतर मात्रा में परागण क्रिया होती है जंतुओं में।
जिससे कीट आपके यहाँ आके बैठते हैं, तो यहाँ से यहाँ आके बैठेगा तो उसके कहीं से उसके बॉडी में टच करके परागकण, क्योंकि बहुत माइनर होते हैं, इसके बॉडी में टच करके क्या होता है, इस पर जब आके बैठेगा तो यहाँ छोड़ देगा। तो जंतुओं के माध्यम से हो रहा है, जिसे आपने प्लांट को पकड़ा हिला दिया कस के, तो आपके माध्यम से भी हो गया, राइट। कोई चिड़िया बैठा हुआ चोच से इसमें डंक मारा, चोच में उसके लगा परागकण, इस पर आ गया, यहाँ से हो गया। मधुमक्खी के माध्यम से हो रहा है, रस पान करने जब आता है पता लगा इस पर बैठा है, इसके बॉडी से फिर इस पर आया, यहाँ भी आ सकता है। यानी जंतुओं के किसी भी जंतुओं से आपका परागण क्रिया अधिकतर होती है, तो अधिकतर कीटों से होगी। किससे होगी? कीटों से अधिक होती है, मधुमक्खी से होती है, चिड़िया से होती है, यानी बहुत से जंतुओं से आपका परागण क्रिया होती है। वाटर से कैसे होगा? जल में, यानी जो जलीय पौधे होते हैं, जलीय आपका समुद्र होते हैं, हाइड्रा होता है, वो सब क्या होगा, पानी के बहाव से परागकण कहाँ आएगा, स्टिग्मा पाया जाता है, तो इसके माध्यम से परागण क्रिया होती है। तो देखिए परागण में कुछ एक टर्म आते हैं, क्या आते हैं, यानी परागण में कुछ टर्म्स आएंगे, यानी शब्दावली आएंगे, उस शब्दावली को जानना आपको बहुत जरूरी है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत जरूरी है जानना व्हाट इज द शब्दावली क्या होता है, ठीक है। याद रखिएगा, सब मिटा देते हैं, गंदगी को साफ कर दिया जाए, ये गंदगी साफ हो गई, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, राइट। आइए थोड़ा सा क्लीन किया गया। टर्म्स यानी क्या, उसके कुछ शब्दावली की टर्मिनोलॉजी होगी, इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, यानी जब परागण क्रिया होती है चाहे आपका सेल्फ हो या क्रॉस पॉलिनेशन हो, दोनों में कुछ शब्दावली आते हैं। जैसे आपका क्या होता है, होमोगेमी, होमोगेमी पहले हम जानते हैं यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। प्लांट में जो पुष्प होते हैं दो तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल किसे कहेंगे, जब वह पुष्प जिसमें नर या मादा जननांग एक ही उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। यानी यूनिसेक्सुअल क्या होता है, यूनि क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल। यूनि मतलब क्या था, अकेला, सिंगल, एस आई एन जी एल ई, सिंगल सेक्स, यानी सिंगल आपका लैंगिक अंग। जब आपके किसी पुष्प पे एक ही लैंगिक अंग हो तो हम जानते हैं पुष्प क्या होता है, लैंगिक अंग क्या होता है, एंड्रूसियम एंड गाइनेशियम। लेकिन एंड्रूसियम और गाइनेशियम में कोई एक ही जब पाया जाए तो ऐसे आपके पुष्प क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल पुष्प कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। बताया था इससे पहले, जैसे मनुष्य क्या है, हम लोग क्या है, यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। कमेंट करके बताइएगा मनुष्य क्या होता है, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, प्लीज कमेंट कीजिएगा। बाइसेक्सुअल क्या हुआ, जब आपके किसी पुष्प पे नर और मादा दोनों पाए जाए, यानी एंड्रूसियम भी उपस्थित हो और गाइनेशियम भी उपस्थित हो, जायांग भी उपस्थित हो, तो किसी पुष्प पे नर और मादा जब दोनों पाए जाते हैं तो ऐसे फ्लावर को, ऐसे पुष्प को क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। तो बाइसेक्सुअल या हर्मो, लिखा देखिए, हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट भी कहा जाता है, ये खास करके एनिमल भी यूज में अधिक आता है, ये जैसे केचुआ हो, राइट, यूज करते हैं। ये हो गया, तो पहले ने बताया था व्हाट इज द क्या होता है, होमोगेमी, सम कालपक्वता, होमोगेमी। होमो मतलब क्या होता है, समान, गैमी मतलब गैमेट का निर्माण करना, राइट, होमो मतलब समान, गैमी मतलब गैमेट का निर्माण करना। तो समकाल, समकाल मतलब देखिए हिंदी के वर्ड देखेंगे, सम मतलब समान, काल मतलब समय, समान समय में पक्वता, पक्वता मतलब मैच्योर होना, परिपक्व होना। तो मैच्योर किसके बात कर रहा है, आपका गैमेट की बात कर रहा है। गैमेट मतलब आपका जब किसी पुष्प पे नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक साथ रूप से परिपक्व होते हैं, यानी जब पुष्प के आपके नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक समान समय पर एक साथ परिपक्व हो जाए, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, होमोगैमी के नाम से जानते हैं। सम मतलब समान, काल मतलब समय, समान समय पर क्या हो जाना, परिपक्व हो जाना, मैच्योर हो जाना। तो किसकी बात कर रहा है, आपका नर जननांग की और मादा जननांग। जब नर जननांग और मादा जननांग आपके समान समय पर एक साथ दोनों परिपक्व होते हैं, इस क्रिया को हम होमोगैमी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, होमोगैमी के नाम से जानते हैं। याद रखिए, जैसे गुलाबास, मिराबिलिस जलापा जिसे कहते हैं, गुलाबास प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है, उसके मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व होते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आइएगा क्लिस्टोगैमी, क्या करता है क्लिस्टोगैमी फ्लावर, निमिलित पुष्प,
इंग्लिश क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमी, निमिलित पुष्प या अनुनिमिलित पुष्प भी कहते हैं इसे, ध्यान दीजिएगा, निमिलित या अनुनिमिलित पुष्प के नाम से भी जानते हैं इसे, क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये क्या होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर? देखिए कुछ ऐसे ही पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते। पुष्प है, कली है तो खिलेगा ना जी, जैसे फूल हुआ, फूल है तो कब फूल बनेगा, यानी कोई कली निकल, पुष्प जब अंकुरण होता है तो उसका कली बनेगा, यानी आपका कह सकते हैं तरुण अवस्था रहेगा, तब जाके मैच्योर होगा, जब मैच्योर होता है खिल जाता है। तो कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलेंगे, कभी क्या करें खिलेंगे नहीं। तो जब ऐसे पुष्प जो कभी ना खिले उस पुष्प को हम क्या कहते हैं, निमिलित पुष्प के नाम से जानते हैं। किस नाम से? निमिलित पुष्प के नाम से। यानी कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, ऐसे पुष्प आपके निमिलित पुष्प या क्लिस्टोगैमस फ्लावर के नाम से या अनुनिमिलित पुष्प के नाम से हम जानते हैं। जैसे आपका गुल मेहंदी, किसमें? गुल मेहंदी एक प्लांट होता है जिसमें पुष्प आपका नहीं खिलते जल्दी, ठीक, कभी नहीं खिलते। तो उसे क्या, उसमें जो परागकण होगा क्या होगा, परागकण यानी पराग कोष के अंदर ही क्या होता है, फट जाता है, और फटने के बाद वर्तिकाग्र यानी आपका स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। क्लियर? ये आपका समझ में आया? बाइसेक्सुअल हर्मोफ्रोडाइट तो समझा दिए, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहा है, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट, ध्यान दीजिएगा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? प्लांट, पौधे की बात कर रहा है। किसकी हम बात कर रहे हैं? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट। पौधा कैसे होगा, यानी कोई पौधा है, मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे में फ्लावर लगे, क्या लगे? फ्लावर, फ्लावर लगे, क्या लगे? फ्लावर। अगर फ्लावर जो लगे उस फ्लावर में अगर केवल नर जननांग हो या तो मादा जननांग हो, यानी कोई प्लांट है उस प्लांट में पुष्प लगे और वो पुष्प क्या हो, केवल नर जननांग वाला हो या तो केवल मादा जननांग वाला हो, दोनों ना हो, जब दोनों में से कोई एक पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं, यानी उस पर केवल एक सेक्स प्लांट उपस्थित है, ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल प्लांट। ओके, जब आपका कोई प्लांट है उस पर पुष्प लगे हैं ढेर सारे पुष्प लगे, तो उसमें जो पुष्प है आपका क्या है, आपका यूनिसेक्सुअल पुष्प हो, लेकिन उस पुष्प के साथ साथ उसके और जो पुष्प हो क्या हो, वो आपका उस पर नर जनन मादा जनन दोनों, मान लीजिए ये मेल आपका फ्लावर हो, ये आपका फीमेल फ्लावर हो, क्या हो, फीमेल फ्लावर, यानी एक ही प्लांट पे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों पाए जाए तो ऐसे प्लांट क्या करेंगे, बाइसेक्सुअल कहलाएंगे, क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल प्लांट कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है हमारी? यानी आपका कुछ ऐसे प्लांट होंगे जिसमें आपको पुष्प लगे होंगे लेकिन सभी पुष्प क्या हो, या तो नर जननांग वाले या तो मादा जननांग वाले, तो यूनिसेक्सुअल। और जब पुष्प लगे हो उसमें नर जननांग वाले पुष्प भी अलग हो या साथ हो या मादा जननांग वाले पुष्प लगे हो तो उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। बात समझ आया, व्हाट इज द यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपका सेल्फ पॉइजनिंग, स्वदूषण। सेल्फ पॉइजनिंग क्या होता है, स्वदूषण क्या होता है, नाम ही क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से ही आपका क्या होता है, पॉइजनिंग, सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया में सेल्फ पॉइजनिंग आएगा। कब आएगा, जब किसी पुष्प का परागकण क्या होता है, जब किसी पुष्प का परागकण उसी आपकी स्टिग्मा पर पहुंचती है, पहुंच जाती है, तो आपका विष की तरह कार्य करने लगे, क्या करता है, यानी जब किसी जब कोई परागकण उसी स्टिग्मा पे पहुंच जाती है और विष की तरह पॉइजन की तरह कार्य करने लगे, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका सेल्फ पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं, स्वदूषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्वदूषण के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, किसके नाम से, स्वदूषण के नाम से। यानी ध्यान दीजिएगा फिर से, सेल्फ पॉइजनिंग क्या होता है, पॉइजन बन रहा है, विष बन रहा है, विष कब बन रहा है, जब परागकण यानी उसी स्टिग्मा पे पहुंच रहा है और विष की तरह कार्य करने लगता है, इस तरह विष की तरह, जहर की तरह कार्य करने लगता है, तो ऐसे क्रिया को हम क्या कहते हैं, ऐसे पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉइजनिंग के नाम से जानते हैं, स्वदूषण, यानी खुद को दूषित कर ले रहा है, क्या कर रहा है, खुद को दूषित कर ले रहा है। और दूषित कब हो, जब परागकण उसी स्टिग्मा पहुंचेगा, तो कुछ ही प्लांट में ऐसे होता है, जैसे ऑर्किड, तो ऑर्किड प्लांट होता है, ऐसी क्रिया देखने को मिलती है। ओके, क्लियर है, ये आपका टर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए आपका सेक्स टर्म, जो होता है आपका सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, जिसे लैंगिक अनिश्चयता के नाम से जानते हैं, अनिश्चयता, क्या कहलाएगा इंग्लिश में,
सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी, राइट। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल इनकम, देखिए इनकम्प्लीट से बना है, सेक्सुअल मतलब लैंगिक हो गया, इनकम्प्लीट से ही बना है, इनकम्पैटिबिलिटी से ही बनता है, जिसे कहते हैं लैंगिक अनिश्चयता। तो क्या होता है, प्रायः अधिकतर देखेंगे परागकण बहुत होते हैं, और ढेर सारे परागकण कहां पहुंचेगा, ढेर सारे परागकण कहां पहुंचता है जी, स्टिग्मा पर। कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा पर पहुंचेगा, कहां पहुंचेगा, स्टिग्मा पर। तो क्या सही परागकण पहुंचने के बाद सभी आपके क्या मादा से जो एक होता है एक से फर्टाइल करते हैं, निषेचन करते हैं, नहीं करते। इसमें से कुछ ही परागकण जो लकी मैन होगा वो लकी मैन बनेगा, तो आपका मेल गैमेट बनाएगा और जाके एक से फर्टिलाइज करेगा ना जी। लकी तो कहेंगे ना जी, ढेर सारे आपके आ रहे हैं इसमें, ढेर सारे आने के बाद भी लेकिन क्या होता है, कुछ ही आपके परागकण जो होते हैं क्या होते हैं, आपके फर्टाइल करते हैं, निषेचन करते हैं। सब निषेचन करने का सौभाग्य होता है, नहीं होता है, इसलिए क्या कहते हैं लकी मैन है। तो लकी मैन नहीं, लकी आपका क्या कहते हैं, परागकण, पोलन ग्रेन। तो ऐसे पोलन ग्रेन आपका अधिकतर आते हैं लेकिन इसमें कुछ ही निषेचन करते हैं। तो क्या हो रहा है, आपके कुछ पौधे में, कुछ प्लांट में कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें नर जननांग मादा जननांग, यानी नर आपका मादा जननांग दोनों सक्रिय होते हैं। इन नर मादा दोनों सक्रिय होने के बाद भी बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है, किसका, बीज का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जानता है। यानी आपका जब आपके नर और मादा दोनों सक्रिय होने के बाद भी नर, यानी कुछ पुष्प में नर और मादा दोनों सक्रिय होने के बाद भी जब आपका सीड का फॉर्मेशन ना करें, सीड का निर्माण ना कर पाए, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, लैंगिक अनिश्चयता के नाम जानते हैं, सेक्सुअल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सेक्सुअल के नाम से जाना जाता है। ओके, क्लियर है, समझ आ रही बात को, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सेल्फ स्वतः इनकम्पैटिबिलिटी स्वनिश्चयता क्या होती है, बोलिए, स्व क्या करा है, स्व मतलब स्वतः, इनकम्प्लीट से बना है, इनकम्पैटिबिलिटी स्वनिश्चयता। ये क्रिया आपका अंतर्जाति अंतर्जाति दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन ये जो क्रिया हो रही है सिर्फ आपके अंतर्जाति में देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसे अंतर्निश्चयता के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, ये अंतरा और अंता दोनों जातियों में देखने को मिलता है, ये प्रायः अंता जातियों में देखने को मिलता है। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, सेल्फ यानी जब आपका परागकण, ध्यान दीजिएगा, जब आपके परागकण खुद के पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, जब आपके परागकण किसके खुद के स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो अंकुरण नहीं होता है, अंकुरण नहीं होता है, लेकिन दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंचता है तो अंकुरण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी जब किसी पुष्प का परागकण खुद के यानी उसी पुष्प के अगर स्टिग्मा पे पहुंचता है तो उसका अंकुरण नहीं होता है, लेकिन जब परागकण किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे पहुंचता है तो वहां पर अंकुरण हो जाता है, यानी हो जाता है। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी स्वनिश्चयता के नाम से जानते हैं। ठीक है, लिखा है नो रिएक्ट सेम फ्लावर बट अदर फ्लावर, क्या होता है रिएक्ट होता है, बट रिएक्ट अदर फ्लावर क्या होता है, यानी खुद के अगर स्टिग्मा पे पहुंच रहा है परागकण तो वहां अंकुरण नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे के स्टिग्मा पे पहुंच रहा है तो परागकण आपका क्या हो जा रहा है, अंकुरण हो रहा है। तो ऐसी भी क्रिया को देखने को मिलती है जिसे क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। मीन्स इसमें क्या होता है आपका, देखने को किस कहां मिलेगा, आलू में, तंबाकू में, ये सब पौधे में देखने को मिल जाता है, आलू में तंबाकू में देखने को मिलता है ऐसे प्लांट में। नेक्स्ट देखिएगा, डाइकोगैमी क्या कहते हैं, डाइचो भी कहलाता है, डाइको भी कहलाता है, जो भी ये यूज करें आप, डाइचो या डाइको, गैमी कहते हैं जिसे हम पृथक पक्वता मतलब क्या होता है, देखिए ये दोनों सेम है, ये और ये, राइट। जब आपका नर जननांग मादा जननांग दोनों अलग अलग समय पे परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, यानी जब नर आपका जननांग मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों अलग अलग समय पे क्या होते हैं आपका परिपक्व मैच्योर होते हैं,
इस क्रिया को हम कहते हैं आपका डाइकोगैमी या डाइसोगैमी के नाम से जाना जाता है। यानी पृथक यानी अलग अलग समय परिपक्व हो रहा है या भिन्न आपके क्या कहते हैं भिन्न कलाप काल पक्वता के नाम से जानते हैं, भिन्न काल पक्वता के नाम से भी जानता जाना जाता है। याद रखिएगा ओके। तो ये देखिए दो तरह होता है, अलग अलग है तो अलग के अंडाशय अलग होता है, पराग कोष अलग है ये ना जी जनन अंडाशय और पराग कोष। तो अलग अलग होने के दृष्टिकोण के आधार पर ये दो प्रकार होते हैं प्रोटेंडरी एंड प्रोगैनी गैनी प्रोटेंडरी एंड प्रोगैनी। प्रोटेंडरी क्या होता है ध्यान दीजिए, प्रोटेंडरी किसे कहेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोटेंडरी। प्रोटेंडरी बताया जाए जब पराग कोष अंडाशय से पहले मैच्योर हो, जब पराग कोष यानी एंथर्स है अंडाशय से पहले मैच्योर हो जाता है इस क्रिया को हम कहते हैं प्रोटेंडरी। क्या कहते हैं प्रोटेंडरी। जैसे आपके गुड़हल में देखने को मिलता है, किसमें गुड़हल, यानी गुड़हल में क्या होता है आपका पराग कोष पहले मैच्योर होता है और अंडाशय बाद में मैच्योर होता है। ओके नेक्स्ट होता है आपका प्रोटोगैनी। प्रोटोगैनी क्या होता है, प्रोटोगैनी मतलब जब आपका अंडाशय पराग कोष से पहले परिपक्व हो जाए, जब अंडाशय पराग कोष से पहले परिपक्व हो जाता है मैच्योर हो जाता है इस क्रिया को क्या कहते हैं परिपक्वता हो जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे आपका प्रोटोगैनी के नाम से जानते हैं। जैसे गुलाब, क्या हुआ गुलाब में, गुलाब में अंडाशय पहले मैच्योर होगा और आपका पराग कोष बाद में मैच्योर होता है, तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं प्रोटोगैनी के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और ये आप क्लास 12 के लिए नहीं है, ये क्लास 12 के लिए आपको वन डे एग्जाम के लिए है, इसके लिए वन डे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये सब आपके छोटे छोटे शब्दावली आते हैं। ओके और इसमें परागण किन माध्यम से होता है, वायु द्वारा, जंतुओं द्वारा और जल द्वारा होता है। प्लीज इसको आप पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा, नहीं समझ आएगा तो फिर से बता देंगे कभी। ओके राइट, थैंक यू, सी यू अगेन।